इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। बेलगाम शहर में चोरी की वारदातों में इजाफा ही होता जा रहा है, जिससे पुलिस महकमा भी परेशान है। घरों, दुकानों, मंदिरों के बाद अब स्कूलों को तक निशाना बनाने की वारदातें अमल में आ रही है। अब तो चोर इतना बेखौफ हुए हैं कि शहर के मरकजी इलाकों में वाकई स्कूलों को तक बख्शा नहीं जा रहा। लिहाजा खंजर गली उर्दू गर्ल्स मॉडल स्कूल की खिड़कियों को ही तोड़कर ले जाने की कोशिश दो चोरों की जानिब से की गई है। हासिल इत्तला के मुताबिक चोरों की शनाख्त हुई है। स्कूल के अंदरूनी हिस्सों में CCTV फुटेज में दो चोरों की हरकत कैद हुई है। सबसे हैरत अंगेज बात यह है कि बाद मगरिब स्कूलों की खिड़की के दरवाजे चोरी करने की जुरत की गई है। इससे ये भी पता चलता है कि चोर इसी मोहल्ले से है। एक और बात काबिल गौर है कि चोरों ने पूरी कोशिश की है कि यहाँ के खिड़कियों को दीवार से निकाल कर ले जाए, पर खिड़की के शीशे पाँव में चुभने की वजह से चोर शदीद जख्मी हुआ है। लिहाजा इसके खून के धब्बे फर्श पर साफ नजर आ रहे हैं। जो भी हो, कोई नशेबाज नौजवानों का गिरोह इसके पीछे होने की बात कही जा रही है। आखिर ये दो चोर किस मोहल्ले के हैं और इतनी बारीकियां स्कूल की ने कैसे मालूम, इस पर भी स्कूल इंतजामिया सोचो फिक्र कर रहा है। यहाँ ये भी देखा जाता है कि कुछ लड़के छुट्टी के वक्त खेलते रहते हैं। जो भी हो, खंजर गली स्कूल में चोरी की वारदात ने स्कूल इंतजामिया मोहल्ले के जिम्मेदारों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। गांजा नशे के आदि कुछ नौजवान चोरी का रास्ता इख्तियार करते देखा जा रहा है। घर के जिम्मेदारान, वालिदैन, जमात, मोहल्ले के सभी हजरात को चाहिए कि आखिर नौजवान नस्ल किन बुराइयों में मुब्तला है और इसे कैसे रोका जाए। अगर माशरे के ही कुछ अफराद इल्म हासिल करने की जगह पर ही डाका डाल रहे हैं तो आखिर इस कौम का और मुल्क का क्या मुस्तकबिल होगा, यह तसव्वुर ही नहीं किया जा सकता। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। भाई आज जो पीर के दिन 8 तारीख को हम जो सुबह स्कूल में आए, तो हमारे यहाँ से बच्ची जो है वो उस तरफ हाई स्कूल में ऊपर पहला सीढ़ियाँ चढ़ रही थी, तो वहाँ पर वो खून देकर जो है वो लड़की जो है फौरन भाग कर हमारे पास और इसकी इतला दी कि यहाँ खून पड़ा हुआ है और पैर के निशान है खून के। फिर हम जाकर देखा, तही करने के बाद पता मालूम हुआ कि यहाँ पीछे हमारे यहाँ जो खिड़कियाँ रखी हुई हैं तो उसकी ग्लास पूरे जो है वो तोड़ कर जो है वो लड़के उनको जो है जख्मी हालत में वो यहाँ से निकल गए थे। तो हमारे यहाँ जो CCTV कैमरा भी हम रखा हुआ है, तो इसमें देखने के बाद में मगरिब के वक्त 7:12 के करीब जो है हमारे दो बच्चे जो है यहाँ से जख्मी हालत में जो है लगड़ते हुए यहाँ से टॉर्च शुरू करके जो है यहाँ से निकल गए थे। बाद में पता चला कि कोई गैर नहीं है, हमारे मोहल्ले के इसी मोहल्ले के लड़के हैं। तो फिर हमें जो है यहाँ के जिम्मेदारों से भी बात कर लिए, उन्होंने भी जो है आज के आज रहा जो वो प्रोग्राम था जो भीड़ है, इस वजह से हमें जो पुलिस स्टेशन से भी हम कॉन्टैक्ट करे, तो फिर उन्होंने भी यही वजह बताया कि आज वह सभी एंगेज हैं, तो कल इसके बारे में जो है ना इसके बारे में तहकीक करके जो है ना हम अगला जो लक्ष्य पर क्या स्टेप लेना वो स्टेप लेने की बात करें। जमात के जिम्मेदारों से भी हम बात कर लिए और उन्हें पुलिस स्टेशन से भी हम जो है वहाँ से भी जो है रास्ता कायम कर लिया, वहाँ से भी जो है हम उनसे बात करते, उनका जो इससे पहले बहुत मरतबा जो है तोड़ फोड़ होती रही है और यहाँ से बहुत सारी चीज़ें भी जो है चुराई गई, तो हम जो है ना मजबूर से कॉल कर रहे हैं कब कर रहे हैं नहीं मालूम हो रहा था, लेकिन अब जो है ना सही चल रही थी ना, हम जो है CCTV कैमरा रखने के बाद में ये पहला मरतबा जो है मौका है कि ये करने वाले जो है ना हमारे नज़र सामने भी आ गए हैं। तो इसके कल जो है इस बार हम तहकीक करके जो है जिम्मेदारों के साथ ध्यान हाँ जो जमात वाले हैं उनके जिम्मेदार से हम बात करके जो है आगे की कार्रवाई करने के लिए हमने सोचे हुए, इस वास्ते ये इतला देने के लिए जो है आपको हमने बुलाया। आप आए, मैं आपको बहुत बहुत शुक्रिया आदर कि ये न्यूज़ जो है ये खबर जो है हमारे लोगों में हमारे जमात के लोगों में हमारे जिम्मेदार में पहुँचे, इस वास्ते हमारा यही मकसद है कि हमारे यहाँ जो है इस तरह से हमारा इदारा हमारा यहाँ कौम हमारी सब मोहल्ले हमारे हाँ और ख़ास करके जो हमने ये लड़कियों की स्कूल है तो हमारे पूरे सेफ्स में हमें हमारी चीज़ सब हमारे इदारे की हमें जिम्मेदारी हम सब जिम्मेदार हजरा जो है जिम्मेदारी नहीं लेंगे तो फिर वो यहाँ जो तोड़ फोड़ हो रही है, एक मतलब ऐसा हुआ कि हम बच्चों को रोकने जाने में सब पत्थर फेंकने लगे हम पर, वहाँ से जो है आगे गए और वहाँ से जो पत्थर हम पर जो फेंकने लगे, तो हम ये सोच कर जो हमने CCTV कैमरे के हमने इंतजाम कर लिया।
तो लिहाजा मैं हमारे कौम के नौजवान बच्चों से गुजारिश करता हूँ, अपने मदरसों की हिफाजत करना ये सीखो, अपने मदरसे के में पढ़ने वाले बच्चों की हिफाजत करना ये बहुत बड़ा हमारा फ़र्ज़ होता है, मोहल्ले वालों की जिम्मेदारी होती है और हमारे नौजवान तबके की ज़रूरत होती है और हमारे जमात के साथियों की भी इसमें ज़रूरत होती है। ये सब छोड़कर अगर हम लोग अपने ही मोहल्ले के मदरसे के लड़कियों के स्कूल में हमें जाकर यहाँ पर शोर शराबा करें, पथराव करें, खिड़कियाँ की ग्लासेस फोड़ें और दीगर सामाना को चुराने की कोशिश करें तो ये अच्छी बात नहीं है। तो आज फिर जो पिछले हर कई मरतबा जो हो चुका है मामला, तो उसके बावजूद भी आज ये कल रात में मगरिब के बाद ये मामला पेश आया है, तो फिर ऐसा दोबारा नहीं होने जैसा हमारे जमात के अरकान को और इस मोहल्ले के कारपोरेट हजरत को और दीगर हमारे नौजवान तबके से मैं गुजारिश करता हूँ कि अपने मोहल्ले में रहने वाले मदारिस के बच्चों की और मदरसों की हिफाजत करना हमारा फ़र्ज है और हमारा कर्तव्य है, लिहाजा हम खुद से उसके बारे में सोचना चाहिए कि हमारे बच्चों की किस तरह से हिफाजत हो और हमारे मदरसों की किस तरह से हिफाजत हो। अगर हम ये हिफाजत नहीं करेंगे तो गैर कौम के लोग इसका गलत फ़ायदा उठाने के चांसेस होते हैं, लिहाजा मैं तमाम आए बेलगाम के नौजवानों से दरख्वास्त करता हूँ कि जितने भी अपने मोहल्ले में मदारिस मसाजिद और जो भी है तो उसकी हिफाजत करना ये हमारा फ़र्ज अवलीन है, तो इसकी हिफाजत करने की कोशिश करें। बस इतने ही बच्चे दरख्वास्त को बोलकर अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। वाकिर दावाना अलहमदिल्ला रबीआलमिन, असलकम रहमत ला वरक।